हेलो मेरे यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सब? आशा करते हो कि आप सब अच्छे होंगे। मैं तो ठीक ही हूँ, पर अभी तक मेरा डेंगू के बाद अभी तक मेरा कमज़ोरी नहीं गया है। अभी तक वीकनेस लगता है मुझे, पता नहीं क्या हो रहा है, मुझे भी समझ नहीं आ रहा है। कुछ एक हफ्ता पहले तो डॉक्टर के पास आए हैं हम लोग वहाँ से, और अभी तक मुझे ठीक नहीं लग रहा है। बहुत ही कमज़ोर लग रहा है शरीर पूरा, अभी तक हाथ पांव सब दर्द करता है। और पता नहीं डेंगू का असर कब तक रहेगा मेरे बॉडी में। बहुत ही तकलीफ़ हो रहा है मुझे, कुछ भी करने की इच्छा नहीं कर रहा है, मन नहीं कर रहा है। ऐसा लग रहा है कि दिन भर सोए रहे, कोई मेरा हाथ पांव दबा दे, इस तरह का फील हो रहा है। मतलब हमको एकदम अच्छा नहीं लग रहा। हम तो रिकवरी कर चुके हैं डेंगू से, फीवर तो अब नहीं आ रहा है, लेकिन मुझे एकदम मतलब इतना कमज़ोर लग रहा है अंदर से कि कुछ करने का इच्छा नहीं कर रहा मुझे। फिर भी क्या करूं, ऑफिस जाती हूं, ऑफिस नहीं जाने से फिर क्या कैसे होगा बोलिए। तो और हम लोगों का तो जानते हो कि जब तक इनकम नहीं रहेगा अपने पास कुछ भी, तो हम आगे कुछ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि किडनी ट्रांसप्लांट के बाद में हर एक महीना कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ जाता है। सबका नहीं आता होगा, लेकिन मेरा तो आता ही हर महीना। अब मैं यहाँ, हम लोग यहाँ टाउन में रहते हैं, तो यहाँ पर कोई किडनी नेफ्रोलॉजिस्ट नहीं है, तो मुझे भुवनेश्वर जाना पड़ता है, और तो प्राइवेट है, तो बार बार मुझे बहुत ही पैसा खर्च हो रहा है मेरा। लेकिन क्या करें, अभी जॉब करती हूँ बोल के पैसा है मेरे पास, फिर भी वो भी पैसा अब मेरा बस सब ख़त्म हो जा रहा है आस्ते आस्ते। ऐसे ही होता है, जिसका जो जिसके पास इनकम नहीं रहेगा किडनी ट्रांसप्लांट के बाद, वो तो आगे पता नहीं क्या होगा उसके बाद, उसका तो कुछ बोल नहीं सकते हैं। लेकिन किडनी ट्रांसप्लांट के बाद में किसी न किसी चीज़ में आपका इनकम होना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि बाद में भी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम ऐसे आ जाता है। कभी किडनी का कुछ प्रॉब्लम आ जाता है, तो कभी बॉडी में कुछ प्रॉब्लम आ जाता है, कभी इन्फेक्शन का कुछ प्रॉब्लम आ जाता है। तो इस तरह का कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आने से पैसा बहुत ही खर्च होता है। तो अब क्या करें, यही सब बताना था मुझे फ्रेंड्स, कि अभी भी मेरा वीकनेस नहीं गया है डेंगू के बाद। अब देखते हैं, नेक्स्ट मंथ फिर जाएंगे डॉक्टर के पास, एक बार जाके बोलेंगे कि क्या प्रॉब्लम हो रहा है। फिर थोड़ा दिन के बाद में मैं यहाँ पर ब्लड अपना चेकअप रिपोर्ट कराऊंगी, ताकि मैं भी देख पाऊँ कि आगे कुछ मेरा कुछ परिवर्तन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, कि कुछ ज़्यादा कुछ इफेक्ट हो रहा है बॉडी में। ऐसा ही होता है किडनी ट्रांसप्लांट के बाद, लाइफ ऐसा ही चलती है हम लोगों का। बहुत लोगों का अच्छा चलता है, बहुत लोगों का इसी तरह चलता है, लेकिन क्या करें, ऐसे ही जीना पड़ेगा। सब बोलते हैं लाइफ नॉर्मल हो जाता है, लेकिन सबका होता है, सबका नहीं होता है। किसी किसी का होता है, किसी किसी का नहीं होता है, ऐसे ही है। अब हमारा तो इनकम थोड़ा बहुत है, जो भी है वो भी पूरा मैं ट्रांसप्लांट का समय खर्च कर दी हूँ। एक बार मैं जब भुवनेश्वर में थी, तो एक लड़का बहुत कम उम्र का था, तो उसका मैं पूछी थी, जब डायलिसिस हो रहा था मेरा वहाँ पर, तो मैं पूछी थी उसको कि तुम्हारा अभी तक डायलिसिस हो रहा है, ट्रांसप्लांट नहीं करोगे? तो मुझे बोलते हैं कि दीदी मैंने ट्रांसप्लांट कर चुका था एक बार, और फिर मम्मी ने दी थी मुझे किडनी, डोनेट की थी मुझे, तो फिर क्या हुआ? तो बोलता है कि जब मैं ट्रांसप्लांट किया था तो 10-12 लाख लगा था, उसके बाद हर एक महीना जो दवा का खर्च होता है 10,000, 15,000, 16,000, वो मैं अफोर्ड नहीं कर सक रहा था। मैं मेरे घर में कोई ऐसे कुछ ऐसे मतलब काम करने वाला कोई था ही नहीं, कोई आमदनी नहीं था मेरे घर में इतना, इसलिए मैं पैसा का कमी के कारण मैं आगे दवा नहीं खा सका, और मेरा किडनी शायद उसका किडनी 5-6 महीने ही चला, उसके बाद फेल हो गया। तो मैं ये बात बोलना चाहती हूँ फ्रेंड्स, कि नॉर्मल
इंसान के लिए ये बहुत ही मुश्किल है किडनी ट्रांसप्लांट, जब तक उनके पास कोई इनकम ना हो। इसलिए जब तक इनकम ना हो आगे का कोई भरोसा नहीं है। अभी देखते हैं मेरे साथ क्या होगा। तो ये सब मैं सुन चुकी हूँ, ये सब देख चुकी हूँ, इसलिए मैं कभी कभी अपने आप में ही मैं डरती हूँ कि मेरा भी महीना में मैं हॉस्पिटलाइज हो रही हूँ, कभी मैं आराम से घर में नहीं, आराम से नहीं रह रही हूँ, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम शरीर में आते रह रहा है। काश ये कब ख़त्म होगा ताकि मैं अच्छा से अपना ज़िंदगी जी सकूँ ट्रांसप्लांट के बाद। मैं हमेशा गॉड को प्रेयर करती हूँ कि मुझे रक्षा करे, मुझे ताकत दे। देखते हैं आगे क्या होगा। तो ठीक है फ्रेंड्स, बस यही सब आपको इन्फॉर्मेशन देना था। तो आप लोग मुझे ज़रूर से सपोर्ट करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, ताकि और भी लोगों को पता चले कि आगे बहुत ही हम लोगों का खर्च बढ़ जाता है। ट्रांसप्लांट के बाद खर्च रुकता नहीं है, खर्च होते रहता है। तो ठीक है फ्रेंड्स, बाय, हैव अ गुड डे।